आरक्षण हमें बाबा साहब संविधान में 1952 में दिया CST को, आरक्षण के बदौलत जो समाज के लोग विधानसभा से लेकर पार्लियामेंट तक गए, वे शासन सत्ता में आए, भागीदारी निभाया और हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक के प्रशासनिक अधिकारी तक बने। लेकिन उनका बाबा साहब का सपना था कि इनके बाद इन लोगों को गांव में जाना चाहिए, जहां हमारी संख्या, हमारे समाज के संख्या, SC ST OBC माइनॉरिटीज की संख्या ज़्यादा है, इन पढ़े लिखे समाज के लोगों को वहां जाना चाहिए। जब ये लोग नौकरी पा गए, सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर बन गए, तो अपने आलीशान भवनों में रहने लगे और सुख सुविधा से यानी परिपूर्ण हो गए, इनको सिर्फ अपने बच्चे दिखाई देने लगे। अगर आज जो हम लोग आज रोना रो रहे हैं, हमारे मनीषी लोग, ये विद्वान लोग पहले से इस काम में लग गए होते, तो शायद आज बाबा साहब का सपना पूरा हो गया होता। बाबा साहब ने सबसे पहले संविधान में कहा था कि जैसे कि संविधान का सीधा अर्थ है, सम माने बराबर, विधान माने नियम कानून, यही होता है ना, सम माने बराबर और विधान माने नियम कानून। हमको संविधान दिया था, इस देश में कोई छोटा नहीं होगा, इस देश में कोई बड़ा नहीं होगा, इस देश में कोई ऊंचा नहीं होगा, इस देश में कोई नीचा नहीं होगा, संविधान के सामने संविधान सबको बराबर कर दिया। और इस बात को बताने के लिए हमारे पढ़े लिखे लोगों को गांव में जाना चाहिए, लेकिन नहीं गए। अफसोस कि हमारा भारी से भारी संख्या गांव में रहता है, देश का 70% आबादी गांव में निवास करती है। पढ़े लिखे लोग जानते होंगे 70%, 100 में 70% आबादी हमारी गांव में निवास करती है। इन लोगों को जो पार्लियामेंट में गए, पहले विधानसभाओं में गए, इनको गांव में आना चाहिए। क्यों भाई, आना चाहिए था कि नहीं? इनका दोष है? नहीं है। आप लोगों का दोष है? नहीं है। अगर वो लोग आए होते तो हम आज ये रोना नहीं रोया जाता। जिनके लोग गए, आज वे पूरे शासन सत्ता पर कब्जा हैं, उनके बच्चे IAS हो रहे हैं, IFS हो रहे हैं, IIT में जा रहे हैं, IIM में जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, सारी जगह उन पे बच्चे काबिज हो गए। और हमारे बच्चे क्या हो गए? जो कल का ये समाज, जो कल का समाज हमारे शासक वर्ग हुआ करते थे हमारे पुर के, आज हम क्या हो गए हैं? मजबूर हो गए हैं, दूसरों के खेते में धान रोपते हैं, गेहूं काटते हैं, यही ना हो गया? इसका बदौलत है शिक्षा का अभाव, जानकारी का अभाव। जानकारी और शिक्षा जिस समाज में नहीं होगा तो कुछ संभव नहीं होगा। जानकारी देने वाला कौन होगा? हमारे ही समाज के अपने लोग होंगे। ऐसा नहीं हुआ, उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ कहा गया है भारत में वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी कटिबद्ध है। अब क्या है वास्तविक लोकतंत्र? रियल रिप्रेजेंटेटिव। वास्तविक क्या है? वास्तविक ये है कि अपने समाज का जो नेता, ये संगठन के द्वारा जो निर्मित किया जाएगा, वो हमारे समाज के लिए काम करेगा। हम तो जाति के नाम पर आते हैं, कुर्मी आया, काछी आया, खटी के आया, कोई कोई आया, और हम जाति के पार्टियों के पीछे दौड़ जाते हैं। हमें वास्तविक लोकतंत्र का व्यवस्था नहीं, रक्षा नहीं कर पा रहे। लोकतंत्र का मतलब समझिए, लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? लोक माने जनता होती है, तंत्र माने व्यवस्था होती है। हम लोग जनता है ना?
लोक माने जनता होती है, तंत्र माने व्यवस्था होती है। बाबा साहब ने हम लोगों को एक अधिकार दे दिया, क्या दिया है? वोट का अधिकार। वोट का अधिकार जानते हैं? जो हम लोग ठप्पा पहले मारते थे, अब ईवीएम में लगाते हैं ना, उंगली दबाते हैं, जो वोट का अधिकार बाबा साहब ने हम लोगों को दिया है वह क्या है? अगर हम शिक्षित नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, जानकार नहीं है, तो यह वोट का अधिकार इतना खतरनाक होता है जैसे तलवार देखा है, चाकू देखा है? चाकू, चाकू में दो तरह की धार बनी हो, दो धारी तलवार जिसको कहते हैं, दो धारी चाकू, दोनों तरफ अगर धार हो और तेजी पैनी हो, अगर छोटे लड़के को दो धारी चाकू दे दिया जाए, अगर लड़के की मम्मी देखेगी तो अपने बच्चे को रोक देगी, बेटा अरे देव देव इधर क्यों, कि छोटा बच्चा जो होगा वह नहीं जानता ये चाकू है कि लकड़ी है कि क्या है, मालूम है? क्यों क्यों छीन लेती मम्मी उसकी, कहीं हाँ उंगली न काट ले, कहीं पैर में न लग जाए, इसलिए छीन लेती ना। वही वोट का ये अधिकार बाबा साहब ने हमको दिया, जो आज हम लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। यदि सही स्थान पर देंगे तो आप आपका बच्चा विधानसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, जहां देश का कानून बनता है। देश का कानून हमारे लिए कानून, जो हम ही अपने ठप्पों हांगुलियों से चुनते हैं, वे पार्लियामेंट भारत की संसद में बैठकर बनाते हैं हमारे लिए, कि अब तुम क्या खाओगे, अब जो आटा खा रहे हो अब इतना इस पर टैक्स देना पड़ेगा, पानी पी रहे हो अब टैक्स देना पड़ेगा, अब होगा ना, वही होता है। तो ये सब लोकसभा में होता है, और विधानसभा और जो छोटी मोटी इकाइयां हैं गांव सभाओं तक यही काम हो रहा है, सब उसको आगे बढ़ाते हैं। उनके जो लोकसभा में प्रस्ताव पारित होता है उनको कार्यपालिका ये व्यवस्थापिका सब मिल करके यहां गांव तक लाते हैं। मेरे बहनों भाइयों, कि आप लोगों को जाना होगा कि आज हम जो हैं, अगर असली लोकतंत्र का निर्माण करना है चाहते हैं तो एक संगठन और एक पार्टी पे आप लोग जुड़ जाइए, जो हमारे हितकर हो, हमारे लिए हो। वैसे तो जाति के नेता आते और जाते रहते हैं, एक कहावत कही है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। कश्ती माने जानते हो क्या होता है? कितने लोग जानते हैं कश्ती किसे कहते हैं? एक दो लोग। मैं इसका अर्थ बता देता हूँ, हमें तो अपनों ने लूटा, जो समाज के कुर्मी काछी हरगड़िया नाऊ धोबी खटी कुजड़ा, जो विधानसभा और लोकसभा में चुनकर जाते हैं हमारे वोटों से, वे हमारे समाज के होते हैं लेकिन हमारे अपने लिए नहीं होते। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में गैर का गैर जो हम जिसकी बात कर रहे हो, हमको नहीं हिम्मत है लूटने वाला, ये हमारे एजेंट दलाल भड़वे जो गए हैं समाज से, वे हमें लूटने का काम कर रहे हैं। मेरी कश्ती वहाँ डूबी, कश्ती माने नाव होता है, नाव जो माझी चलाता है, समझ में आया? कश्ती माने नाव। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, जहाँ पानी नहीं डूबना चाहिए वही डूब गई। हम इतने तादाद में भारत में, हमारी आबादी 70-75 या कहें तो 85% का है, लेकिन हम क्या हैं? हर बार 70-75 साल हो गया डिफेट करके, हम न पक्ष में हैं न विपक्ष में हैं, हम कहाँ हैं? कहीं नहीं हैं, हम कहीं नहीं हैं। अगर हम कहीं नहीं हैं तो चिंतन करो, मनन करो, अपने लोगों को 4-6-10 लोगों को बैठ करके, आखिर मेरे भाई हमारे समाज में इतनी बड़ी आबादी वाला हम लोग हैं, ठीक है कोई जातियों उपजातियों में बांट दिया हम लोगों को,
इंड हो गया सर, चलिए ठीक है। कोई तो कहने का मतलब समझना चाहिए, हमें अगर अपने अंदर समझदारी डेवलप नहीं करेंगे, नहीं ले आएंगे, तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। समय बहुत बीत चुका है। बाबा साहब ने पहले कहा शिक्षित बनो, क्या कहा? शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करना। शिक्षित हो जाओगे, अभी महिलाओं को जो 60-65-50 साल की हो गई, अब कहो शिक्षित हो विद्यालय में जाएं तो जाएंगे ना? एडमिशन होगा किसी का? होगा नहीं होगा। तो समझदार बनाइए, जो यहाँ के प्रशिक्षक हो उनको ट्रेनिंग दीजिए, राजनीति विज्ञान का ट्रेनिंग दीजिए, भारत के संविधान का ट्रेनिंग दीजिए, वोट कैसे दिया जाता है, वोट का मतलब क्या होता है, उनका ट्रेनिंग दीजिए। समझदार बनाओ, तब संगठित हो, इकट्ठे हो, तब जाकर संघर्ष करना। संघर्ष ऐसे नहीं होगा, क्योंकि संघर्ष पहले हमारे जो भणवे दलाल गए हैं उनसे लड़ाई लड़ना होगा, जो उनके एजेंट हैं। कांसीराम ने चमचा युग, चमचा जानते हो? अब बड़ा आप लोग के एक उदाहरण देता हूँ। राम के पास कितनी सेना थी और रावण के पास कितनी सेना थी? राम के पास जब लड़ने गए थे, उनकी राम की एक पत्नी चुरा ले गया, उठा ले गए रावण, तो अपनी पत्नी खोजने के लिए पूरा लंका तक यानी पैदल चल पड़े राम। और हमारे समाज की इतनी बहन बेटियों का इज्जत रोज लूटी जा रही है, हमारे समाज के नेता जो गए हैं घर में बैठे हैं, आवाज़ नहीं उठता। लखीमपुर खीरी का घटना सुना होगा आपको, तमाम घटनाएं होती रहती हैं। एक एक पत्नी का हरण हुआ, पूरा लंका फूंक दिया, और इतना समाज बैठा क्या कर रहा है? कुछ नहीं। हम लोग अच्छे लोग हैं? हाँ, कुछ नहीं। वो क्या किया, लंका फूंकने के लिए उनके भाई को ही मिला लिया। राम ने क्या किया, रावण के रावण को भाई का विभीषण को मिला लिया, और जब उसको मिला लिया तो आराम से वहां तक पहुंच गया। वही ये हो रहा है, जो आज हम लोग 85% के कहते हैं, गीत गाते हैं 15 पर 85 ये भारी है, कैसी लाचारी, यही है। हमारे बीच में जो गए हैं वे हमें लाचार किए हैं, तो हमको पहचानना चाहिए। कैसे पहचानोगे, कोई जुगाड़ है आप लोगों के पास? कितने लोग जानते हैं, पहचान लेंगे? एकात लोग तो हाथ उठाओ, है तरीका? मैं बता रहा हूँ, धान बोते हो, धान धान में एक धान जैसा एक लमेरा होता है, लवारा होता है ना, महिलाएं पहचान लेती हैं, वो ऐसे ही रहता है, और जितनी खाद पानी डालोगे वो लवारा पहले पहले मोटा हो जाएगा, वो पहले झड़ जाएगा। तो उसको लिए जब कम रहता है तो हमारे बहनें क्या करती, निराई कर लेती हैं, और जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, दवा ले आते हैं, डाल देते हैं उसको। क्या जितना लमेरा लवारा होता है क्या होता है, डाल देते हैं, सब जर जाता है। तो अब पहले लवारों की संख्या, लमेरों की संख्या हमारे देश में कम थी, तो निराई कर लिया जाता। अब क्या होगा, अब दवा डालनी पड़ेगी, इनकी व्यवस्था करने के लिए अब हमको लंबा यानी कि कीटनाशक जैसे प्रयोग करते हैं, वीडिसाइड प्रयोग करते हैं, इनको छिड़कने के लिए दवा लानी पड़ेगी, तब ये जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। इनको समझना पड़ेगा कि यही है एजेंट है। हमारे समाज का होगा, क्यों न पासी समाज का हो, क्यों न काछी कुर्मी है गिड़रिया समाज का हो, अगर ऐसा करता है तो उसको पहचान लो। कैसे पहचानते हैं, जैसे घर में बिच्छू निकल आई पहचान लेते हो ना, अरे बिच्छू है मारो इसको, सांप निकल आया पहचान लेते हो। ऐसे अपने समाज के ऐसे लोगों को थोड़ा पहचानना पड़ेगा। ये संगठन, ये पार्टी वही पहचानाने की काम कर रही है। आप लोग दूरदर्शी बनो,
बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनाओ, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इसीलिए तुलसीदास जी भी ने कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सारा पदार्थ यहाँ है, जो सही दिशा में सही काम नहीं करेगा वो नहीं मिलेगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। फिर दूसरा चौपाई कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम जब हमें भारत की कुर्सी अपनानी चाहिए, भारत के पार्लियामेंट में जाना चाहिए, विधानसभाओं पर कब्जा जमाना चाहिए। हम कब्जा जमा रहे हैं गेहूं वाले खेत में, लेके खुरपी वहां दौड़े चले जा रहे हैं, हथियार लेकर दौड़े चले जा रहे हैं। अरे इतनी बड़ी संख्या है, समझाओ, जब देश पर तुम्हारा कब्जा होगा तो पूरे भारत पर तुम्हारा कब्जा होगा। कौन नहीं चाहता कि हमारी बहन बेटियां सब बच्चे सब सुरक्षित रहें, अच्छे स्कूल में पढ़ें। आज इसीलिए जब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, तो उन लोगों ने भारत में तीन तीन बोर्ड बना दिया, यूपी बोर्ड, हर प्रदेशों का एक बोर्ड अलग शिक्षा का, CBSE बोर्ड बना दिया, ISI बोर्ड बना दिया। अपने बच्चों को बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने लगे, हमारे बच्चों घिसे पिटे पर प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने लगे। हम मजबूर हैं, इतनी महंगाई कर दिया कि अफसोस है कि हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। साथियों आप ही बताइए, जब ये माननीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कुर्सी पर बैठे थे तो डॉलर और रुपया दो होता है। अमेरिका में डॉलर चलता है और भारत में रुपया चलता है। खुद आंकड़ा लीजिए, जब भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में कुर्सी पर बैठे थे, उस समय एक डॉलर की कीमत 57.71 रुपये थी। कितना थी? 57.71 रुपये थी। अभी ये अगस्त की रिपोर्ट आई है, अब 80 रुपये में एक डॉलर मिलता है। यही हमारे देश की व्यवस्था है। पहले हम ऊपर बैठे थे और नीचे गढ़े में चले गए। कितना विकास किया भारत, हाँ सोचो, 80 रुपये दें तो एक डॉलर मिलेगा। पहले 57 रुपये देते थे तो एक डॉलर मिल जाता था। कहने का मतलब, मान लीजिए जैसे कि हम 57 रुपये में पहले देते थे 8 साल पहले, तो 1 किलो चीनी मिल जाती थी। अब 1 किलो चीनी खरीदने के लिए हमको 80 रुपया देना पड़ रहा है। बताओ महंगाई गई कि बढ़ गई? बढ़ गई ना। क्यों बढ़ी? और यही ट्रैक्टर पर 28% टैक्स लगा दिया, GST, और कृषि यंत्रों पर 28%, दवाओं पर 18%, कृषि बीज पर 12%। क्या होगा? किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं, इतना टैक्स लाद दिए, इनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है 2000 रुपये। वाह वाह मोदी, खूब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अरे आंकड़े देखो, आंकड़ों, जब आंकड़े को नहीं देखोगे तब तुम्हारी जब आंकड़ा जो दिमाग खुलेगा कि हमको कितनी जल्दी इनको बाहर करना होगा। हमारे ही हाथों में वो दम है कि हम बाहर कर सकते हैं। अगर ऐसे बैठे रहेंगे, महिलाएं हमारी जानते हो क्या होता, एक श्रम कार्ड बना है, श्रम कार्ड बना है। अब श्रम कार्ड वालों को जहां 1-1 हज़ार खाते में आया तो हमारी बहनें खुशी हो जाएंगी। वाह बहुत अच्छे, मोदी जी तो बहुत अच्छा काम किया है। और कोई सरकार दिया, हम जा रहे हैं, कोई सरकार दिया? अरे भला ये तो 1000 दे दिया। किसानों ने कहा अरे कोई दिया, मुझको 2000 दे रहा है। अरे कोई देगा कैसे, जब तुम अपने बच्चे को पार्लियामेंट में भेजोगे, जब आपका बच्चा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा तो 2 नहीं 2 लाख देगा, 1000 नहीं, आपको 10-10 हज़ार रुपये प्रति महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। लेकिन भेज कर तो देखो, अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं गए होते क्या संविधान मिलता क्या? लंबी बहुत कहानी है, अब हम लोग बोले तो 2-4 घंटे में बता पाएंगे, इसलिए दिक्कत है, समय भी कम है। तो 2 मिनट और ले लें क्यों? मोली 2 मिनट। देखिए
समझना पड़ रहा है ना, किसी व्यक्ति के पास चार बातें होनी चाहिए, चार। पहले स्तर पर नौकरी होना चाहिए, बैठे हुए लोग सरकारी कुछ नौकर जरूर होंगे। जीवन यापन करने के लिए चार बातें होनी चाहिए, चार तरीके होने चाहिए। पहला नौकरी होना चाहिए, तो नौकरी किसे मिलेगा, जो पढ़े लिखे लोग होंगे भाई, जो जिस तरह से नौकरी का स्तर होगा उसी तरीके से मिलेगा। दूसरा व्यापार होना चाहिए, जो उद्योग धंधे कंपनी चलती हैं उसके लिए पूंजी चाहिए, तो भी नहीं है हमारे समाज के ऊपर, नहीं है। व्यवसाय के लिए या तो डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, ये व्यवसाय नहीं है। अगर ये तीनों नहीं है तो चौथा हमें खेत चाहिए भाई, शेष के लिए पढ़ना लिखना चाहिए, उद्योग धंधों के लिए धन दौलत चाहिए, और खेत के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं, हम तो अनपढ़ भी खेती कर सकते हैं ना। अगर हम लोगों को 10-10 बीघे 11-11 बीघे अगर खेत मिल जाए तो खेती आराम से कर सकते हैं, ये भी नहीं दे रहा। ऐसे लोग हैं कि भूमिहीन हैं, खेत वो तो है ही नहीं है, तो मर रहे हैं बेचारे, 5 किलो वही पा रहे हैं राशन, उतने में खुशी हैं। तो हमारा या आपका बड़ा कमी है, इस कमी को हम लोगों को बैठ करके दूर करना होगा। और इसी के साथ संगठन और पार्टी में एकजुट होइए, अगर जितनी जल्दी आप एकजुट हो जाते हैं उतनी जल्दी सफलता आपको मिलेगा और यह देश आपका होगा।